और वीडियोस के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चुनाव से 6 महीने पहले राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत प्रदेश की वर्तमान मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे पर जमकर बरसे। गहलोत ने साफ साफ कहा कि जनता का हर वर्ग त्राहिमाम कर रहा है, किसान रो रहा है, व्यापारी खून के आंसू बहा रहा है, न्यायपालिका और मीडिया तक को इस सरकार ने अपना गुलाम बना रखा है और ऐसी ही हालत में जनता को इस सरकार को जवाब देना चाहिए। गहलोत ने कहा कि महिला मुख्यमंत्री होने के बाद भी प्रदेश में रेप की घटनाएं दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़ती ही जा रही हैं। वसुंधरा राजे पर लगातार हमले करते हुए गहलोत ने ये तक कहा कि सरकार में पब्लिक के पैसे को जिस तरह से लूटा जा रहा है ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। उन्होंने साफ साफ कहा कि वसुंधरा राजे महंगे महंगे हेलीकॉप्टरों में बस उड़ती रहती हैं, जमीन पर आती ही नहीं, जनता से बात करती ही नहीं और ऐसे में अब जनता जवाब मांगती है। सरकारी जो हेलीकॉप्टर और आपका प्लेन जो है आप उड़ते रहो नहीं जाओगे जमीन पे तो सरकारी धन का दुरुपयोग तो खैर रिकॉर्ड तोड़ दिया वसुंधरा जी ने जब से आई मुख्यमंत्री बनकर। आपको सर याद होगा कि जब मुख्यमंत्री बनी थी तब आप पार्टी की तरफ से कहा था मैं सर्विस प्लेन में जाऊंगी, प्राइवेट प्लेन यूज नहीं करूंगी। इतनी बार गई आप एयरक्राफ्ट की कोई मामूली एयरक्राफ्ट नहीं है जो हाई किया जा रहा है, तो जानकारी प्राप्त करें तो मालूम पड़ेगा क्या हो रहा है प्रदेश में। हेलीकॉप्टर और ट्रेन के अंदर आप उड़ते रहे कोई बात नहीं, गए जिलों में कई कई बार, 4-4 दिन के दौरे बनाए आपने, 15 दिन के दौरे बनाए, वहाँ पे भी स्थिति ये बनी कि जनता ने मिलना तो जैसे इन्होंने कोई संकल्प दे रखा हो। प्रोग्राम में तो गए 4-5 घंटे लेट जाने का इनका इनकी फितरत में रहा है शुरू से ही, परंतु महल से नीचे उतरो सेकेंड होल का नाम नहीं, महल से नीचे उतरो तो उतरने के बाद में भी आप जनता बार खड़ी बिचारी बिना मिले हुए आप प्रोग्रामों में जा रहे हो, ये किसी कहानी सुनने को मिलते रहे आपको। इन हालातों में आज ये प्रदेश चल रहा है। गहलोत के बीजेपी पर हमले यही नहीं रुके। गहलोत ने यह भी कहा कि नोटबंदी के बाद बीजेपी ने जो काला खेल खेला है कांग्रेस सरकार जब भी आएगी उस खेल की जांच होगी और दोषियों को जेल के अंदर भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से ठीक पहले बीजेपी कार्यालय के हर जिले में जमीन ले जाती है और यह घोटाला बहुत बड़ा घोटाला है। बीजेपी पर हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि मोदी और वसुंधरा डर और भय की राजनीति कर रहे हैं। घटनाएं जो रेप की हो रही है के बाद एक उसका रिकॉर्ड बढ़ गया है प्रदेश के अंदर, ऐसी घटनाएं आज तक कभी भी सुनने को नहीं मिली। इक्का दुक्का घटना तो अभी उठती रहती है राज्यों में भी कई जगहों पर। इस बार जो छोटी बच्चों के साथ में जो रेप हुए हैं के साथ में रेप हुआ, मैंने आपको पिछली बार भी कहा था वो घटना को भूल नहीं सकता। 6 साल की बच्ची के साथ में चित्तौड़ में जो रेप हुआ वो अभी कभी जिंदगी में माँ नहीं बन सकती, युति से खाना बना पर सरकार की तरफ से कुछ सुध लेने वाला नहीं। दुर्भाग्य इस बात का है कि सरकार के मंत्री मुख्यमंत्री को जो गंभीरता दिखानी चाहिए, महिला मुख्यमंत्री होने के बावजूद भी जो चिंता व्यक्त करनी चाहिए, संवेदनशीलता दिखानी चाहिए, कार्य करनी चाहिए, उसका अभाव मैं देख रहा हूँ। राजस्थान संवाद में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।